एक लास्ट पॉइंट, 10 सेकंड और, 10 ले, एक 10 सेकंड और, 10 दो जी। ये कौन है व्यक्ति जरा ये बताना। दुष्यंत जी आपको ही बता रहा हूँ जी जी। ये है मिस्टर अजय माकन। अजय माकन जी बोलते हैं सिसोदिया की गिरफ्तारी बहुत बिल्कुल सही है, भ्रष्टाचार किया है तो भरना पड़ेगा। पहली बार ये पाकिस्तान कहता है गुड टेरर बैड टेरर, ये कांग्रेसी कहते हैं गुड करप्शन बैड करप्शन। बिल्कुल सोनिया वाला करप्शन गुड करप्शन है, सेकुलर करप्शन है। ये आम आदमी पार्टी वाला कॉम्युनल करप्शन है, वो उस पे तो कार्रवाई हो तो ठीक है, सब नाचेंगे। पर अगर आपके इस आर्टिकल में प्रियंका कक्कड़, प्रियंका कक्कड़, ये जो फोटो दिखाई है शहजाद पूनावाला ने, शहजाद ये कह रहे हैं कि अजय माकन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं सिसोदिया पर जो एक्शन हुआ ऐसा ही हुआ है। मतलब आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग हो गई है, पहले चुनाव साथ में लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, अब जो एक्शन हो रहा है उसे सही ठहरा रहे हैं। हम कैसे माने विपक्ष एक है भाई? कहाँ है विपक्ष? आम आदमी पार्टी कांग्रेस आपस में लड़ रही है, कहाँ है विपक्ष? नमस्ते, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही है। आप देख लीजिए, चाहे एमसीडी का वॉकआउट करना हुआ कांग्रेस का तब भी था, बट खैर कांग्रेस ने क्यों नहीं किया ये आप कांग्रेस से सवाल पूछिए। मेरा सिंपल सा इतना सा सबमिशन है कि मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आज तक 54 का कुछ नहीं मिला, उनके ऊपर 500 रेडे हो गई, उनके पिताजी के गांव को खंगाल लिया, 2 चार्जशीट फाइल हो गई, दोनों चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। ये बेसिकली अटैक करना चाहते हैं हमारा शिक्षा और हमारा स्वास्थ्य मॉडल, क्योंकि इनके बस की दोनों ही नहीं है। ये नहीं चाहते लोग पढ़े, ये दिखाना चाहते हैं कि हम इनकी जगह इनकी तरह करप्ट है, ये ऑप्टिक्स मैनेज करना चाहते हैं। अगर सच्चाई होती तो 40% सरकार बन जाता है कर्नाटका में। ये चाहते हैं प्रियंका कक्कड़, फिर बेल के लिए इंतजार करिए। पर मामले चल रहे हैं, उनमें से कुछ तो जेल में हैं और ऐसे जेल में हैं जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के। चलिए एक या दो को फंसाया जाएगा, सब थोड़ी हो गए हमारे ऊपर 200 केस हो गए। 200 केस में से जब टाइम 135 में हम सॉरी 165 केसेस हो गए, 135 में हम बरी हो गए, बाकी चल रहे हैं। ये लगातार मैडम शराब के मामले में जिस प्रकार से फिगर्स को चेंज किया गया वो दुनिया के सामने है। सर मैं आपके बीच में नहीं बोली, 400 फाइलें का गाली गई हमारी शुगलू कमेटी में, शुगलू कमेटी ने हमें क्लीन चिट दी, केंद्र की कमेटी दी। अब उसी के मामले दोबारा उठा रहे हैं फिर से, क्योंकि ऑप्टिक्स मैनेज करना है, दिखाना है कि भाजपा जैसे करप्ट है, 40% की सरकार ये है। आज बीजेपी से शहजाद पूनावाला मेरे साथ है, मुझे याद है प्रियंका जी, 5 सेकंड प्रियंका जी मुझे याद है, इनकी बातों का नहीं, शहजाद कुछ कह रहे हैं, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, केवल 5 सेकंड मेरे दो सवाल। मैम सवाल सुन लीजिए, मुझे याद है शहजाद जी, जिस दिन ये शराब घोटाले का मामला हुआ था उस वक्त हमने आपसे 2-4 सवाल और पूछे थे, पूरे पेपर लेकर तैयारी के साथ, पेपर लेकर आज भी तैयारी। मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा एक